तो दोस्तों आप नीचे का व्यू यहाँ से देख सकते हैं कि कितना चौड़ा गेट है यहाँ पे, और ये राउंड शेप के मेहराब को भी आप देख सकते हैं, जो किसी टाइम में यहाँ पे जो पानी होता था वहाँ पे स्नान करके यहाँ पे जो ये राउंड शेप के जो मेहराब बना रखे हैं इसमें कपड़े चेंज करने के लिए ये बनाए गए थे। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुँचे कैथल में भाई की बावली में, तो आपका उसका अंदर का आज व्यू हम दिखाने वाले हैं, तो बंद रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जीत भारद्वाज, तो चलिए मेरे साथ आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं, आइए। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ का फ्रंट व्यू है, तो दोस्तों आप नीचे का व्यू यहाँ से देख सकते हैं कि कितना चौड़ा गेट है यहाँ पे, और ये राउंड शेप के मेहराब को भी आप देख सकते हैं, जो किसी टाइम में यहाँ पे जो पानी होता था वहाँ पे स्नान करके यहाँ पे जो ये राउंड शेप के जो मेहराब बना रखे हैं इसमें कपड़े चेंज करने के लिए ये बनाए गए थे। चल दोस्तों हम इस छज्जे के ऊपर से जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पुराना भी हो चुका है और इसका गिरने का भी भय है, तो हम इसके थोड़ी साइड से चलेंगे। तो दोस्तों आप ऊपर का व्यू देख सकते हैं कि किस सुंदर डिज़ाइन से इसको बनाया गया है, पुरानी ईंटों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, और आप वहाँ भी देख सकते हैं कि पथरीली ईंटों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है नीचे उतरने के लिए, आप देख सकते हैं। और किसी टाइम में यहाँ पे नीचे से लेकर ऊपर तक पानी का भरा होता था ये, तो आप ये देख सकते हो तकरीबन 3-4 फुट की ये दीवार यहाँ पे बनाई गई है, और ईंटों से ये पूरे को बनाया गया है जो पुराने टाइम में यूज की जाती थी, ये देख सकते हैं आप। और ये मेहराब हर जगह पर बनाए गए हैं ताकि जहाँ भी लोग के लिए जगह कम पड़े तो यहाँ पे आगे अपने कपड़े चेंज कर सकते थे। और ये जितना आप नीचे का व्यू देख रहे हैं ये सारा का सारा किसी टाइम में पानी से भरा होता था, देख सकते हैं आप, सारा का सारा बिल्कुल पानी से भरा होता था। और ये जो रूम बनाए गए हैं ये बाहर से आए हुए उन राहगीरों के लिए है जिनको यहाँ पे पनाह मिलती थी और अपनी रात यहीं पे गुजारते थे। ये पूरा पूरा 3 मंजिला है, और अपने टाइम में कितना विशाल रहा होगा, कितनी अच्छी लुभावनी जगह रही होगी, जो कैथल के लास्ट शासक थे सरदार उधम सिंह जी, उसके द्वारा यह जगह बनवाई गई थी। और आप देख सकते हैं कितना विशाल ये कुआ है, कुआ का व्यू आपको हम अभी दिखाएंगे, देख सकते हैं आप, कुआ का व्यू आपको दिखाने का पूरा पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। अभी कुआ सूख चुका है, किसी टाइम में इसमें पानी भरा रहता था जो राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए काम आता था। तो और भी आपको इसका हम सारा का सारा नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो आइए इसके नीचे चलते हैं। सामने का व्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पेड़ होता था तो उसको अभी कटवा दिया गया है, अब इस टाइम में यह पूरा डरावना जैसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि इसके अंदर अब कोई आता जाता नहीं है। नीचे का व्यू आपको दिखाने का हम पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे, 3 की 3 मंजिलें आपको एक एक करके बारीकी से दिखाएंगे। यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल नीचे तक ऊपर से लेकर और नीचे तक पत्थर लगाए गए हैं सीढ़ियाँ बनाने के लिए। अभी तक आपको YouTube पे ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली होगी, हम पहली बार आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। यह जो बावली है ये कैथल में स्थित है, भाई की बावली से इसको जाना जाता है।
आपको नीचे तक का व्यू आपको हम दिखाएंगे। तो आप नीचे की तक आपको दिखाएंगे ये। यह जो बावली है कैथल के अंतिम शासक सरदार उधम सिंह जी द्वारा बनाई गई थी, जो कैथल के अंतिम शासक थे। अंदर तक का आपको व्यू हम दिखा रहे हैं। किसी टाइम में पूरा 3x3 मंजिल तक ये भरा हुआ होता था पानी से। अपने चाके इसको देख सकते हैं, यहाँ पे काफी अंधेरा भी है, अरे बिल्कुल सुनसान भी है, एकदम डरावना देख सकते हैं आप नीचे से। जो 1747 के शासक थे देसु सिंह जी, उसने कैथल को एक अलग रियासत बना लिया था और उसी के अधीन ये जगह आई थी, तो उसी ने इसका निर्माण करवाया और यहाँ पे जो राहगीर आते थे उनके लिए इसके पानी की व्यवस्था को पूरी करने के लिए इसी ही रियासत का निर्माण हुआ था। बारिश का मौसम हो चुका है तो एक एक चीज़ को बारीकी से दिखाएंगे आपको। ये आप देख सकते हैं कितना ऊंचा विशाल इस जगह को बनाया गया है और कितना शानदार और बड़ा इसका गेट को बनाया गया है और कितना टाइम लगा होगा इसको बनने में, क्योंकि छोटी छोटी लखोरी ईंटों से इसको बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा व्यू हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं कि कितना लुभावना है। अगर इसको अब भी सरकार इसकी ओर गौर कर ले और इसको डेंट पेंट करवा के एक अच्छा बना दे तो ये एक कैथल की बहुत ही सुंदर जगह बन सकती है। तो आप देख सकते हैं, तो देख लीजिए अब कितना इसको कितना गहराई में इसको बनाया गया है। बारिश का मौसम भी हो चुका है, बारिश भी आ रही है साथ साथ। तो आप देख सकते हैं, पत्थर को यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है और ये ऊपर से लेकर नीचे तक सभी पत्थरों का ही यहाँ पर प्रयोग किया गया है सीढ़ियाँ बनाने के लिए। और कितना शानदार इसका गेट है आप देख सकते हो। देखिए छज्जे की मदद से हम उस पार जाएंगे और पूरा का पूरा व्यू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये छज्जा पुराना है तो थोड़ा हमें संभल कर चलना पड़ेगा यहाँ से। को पूरा का पूरा व्यू हम यहाँ से दिखा रहे हैं। ये इसका प्रवेश द्वार है जहाँ से इसमें आने के लिए जो रास्ता बनाया गया था, और ये सीढ़ियाँ इसकी नीचे तक आने के लिए, और ये राउंड शेप की मेहराब आप देख सकते हैं। ये किसी टाइम में जो यहाँ पे पानी होता था वहाँ पर स्नान करके फ्लो चेंज करने के लिए इसको बनाया गया था, और ये लखोरी ईंटों का यहाँ पर बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। जो पुरानी ईंटें होती लखोरी, इनका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके जो ये बावली है गिरने लगी है, इसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। किसी टाइम में कितनी लुभावनी जगह होती थी जो कैथल के अंतिम शासक थे भाई उधम सिंह जी 1843 के, उसने यह बावली का निर्माण करवाया था। नीचे का व्यू आपको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं, देख लीजिए कितनी लुभावनी जगह है और कितनी शांत यह जगह है। और ऊपर का व्यू आप देख सकते हैं कितना सुहावना हो चुका है। पेड़ों की जड़ें यहाँ से दीवारों से निकलने अब शुरू हो गई है। तो आइए आप नीचे का व्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल अब धीरे धीरे करके यह जो जगह है गिरने लग गई है, इसकी तरफ कोई भी किसी का भी ध्यान नहीं है। अगर अब भी इसकी मरम्मत की जाए तो यह टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। ये बहुत सारे टूरिस्टों को इस जगह के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर इसकी कोई भी वीडियो नहीं है और कभी भी यूट्यूब पर इसके बारे में। दोस्तों आपको हम ऊपर का व्यू आप दिखाने का प्रयत्न करेंगे। सीढ़ियाँ थोड़ी इसकी कमज़ोर हो चुकी हैं तो हम धीरे से ऊपर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चमगादड़ है वो भी भारी संख्या में है, उनसे ही बचकर हमें चलना होगा और पूरे इसका पूरा व्यू हम आपको दिखाने का प्रयत्न करेंगे। ये बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है,
यहाँ से इसका पूरा का पूरा व्यू हम आपको दिखाएंगे। इसके ऊपर हम आ चुके हैं, तो हम पूरे का पूरा व्यू आपको दिखाने का यहाँ से प्रयत्न कर रहे हैं। तो आप नीचे का व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना लुभावना व्यू है नीचे का। तो हम पूरा का पूरा व्यू आपको दिखाएंगे। पूरे 3 मंजिल पे अब हम ऊपर आ चुके हैं, और जो ऊपर से ये कुआं कैसा दिखता आपको ऊपर से कुआं दिखाने का भी हम पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे। तो आइए हम आपको कुएं का जो नीचे का व्यू है आपको दिखाएंगे, कितना ढूंगा और विशाल गहरा कुआं है ये, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा विशाल। नीचे की जो सतह है इसकी वो दिख भी नहीं रही है, और कितना गहरा इसका निर्माण हुआ है। किसी टाइम में बिल्कुल पानी का भरा हुआ होता था, और इसके चारों तरफ गोलाई में पेड़ों की जड़ें निकल आई हैं। आइए, ये इसका ऊपर का पूरा व्यू। ये हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और इसको भाई की बावली के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ के सिख शासक 1843 के सिख शासक भाई उधम सिंह जी द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और ऊपर से हम इसका पूरा का पूरा व्यू आपको दिखाएंगे, देख लीजिए आप। आइए हम आपका आगे का व्यू दिखाएंगे। तो हम इसके ऊपर अब आ चुके हैं, ठीक है। इसके ऊपर से आपको पूरा पूरा व्यू दिख रहा होगा, कितनी लुभावनी जगह है ये। आइए आगे का व्यू भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप यहाँ से इसका व्यू देख सकते हैं, कितना विशाल गहरा इसको बनाया गया है। देख सकते हैं आप, तो आप देख सकते हैं ये इसका बैकग्राउंड व्यू, और इसका फ्रंट व्यू आपको ऊपर से हम दिखाएंगे। ये इसका फ्रंट व्यू है बिल्कुल, जो 3 मंजिल इसका पूरा का पूरा व्यू आप देख सकते हैं। और यह वीडियो आपको पहली बार हमारे चैनल की ओर से दिखाई जा रही है। YouTube पे इस वीडियो का और इस जगह का कोई भी जिक्र नहीं है, कोई वीडियो नहीं है YouTube पे इसकी। तो आइए, और यहाँ पर पक्षियों के लिए पानी रखा जाता है, दाना खिलाया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का पूरा व्यू। ये इसका मेन गेट है, कितना चौड़ा और विशाल इसको बनाया गया है। और ये इसका मेन गेट जो अंदर आने के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब इसको बाहर से सील कर दिया गया है। हमें दीवार के ऊपर से इसके ऊपर आना, इसके अंदर आना पड़ा, क्योंकि यह जो खंडर टाइप में हो चुका है कि ये गिर ना जाए, इसलिए इसको बाहर से लॉक कर दिया गया है। इसके अंदर आने के लिए दीवार का सहारा लेना पड़ता है। और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इसका व्यू, देख लीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, आपने देखा पूरी बावड़ी का व्यू हमने आपको दिखा दिया है। तो हम यहाँ पे कुछ भाई घूमने फिरने के लिए आए थे इस जगह को देखने के लिए, तो उनसे हम कुछ सवाल करेंगे। तो ये दो भाई यहाँ पे आए हैं, आइए भाई एक मिनट। नमस्कार भाई, भाई। और जिसके बारे में आप क्या जानते हो भाई, आप यहाँ पे घूमने फिरने आए हो? सर, बहुत बुजुर्गों ने भी बताया इसके बारे में, भाई की बावड़ी है, ये नाम से जाना जाता है इसको, बहुत फेमस है हरियाणा में, कैथल डिस्ट्रिक्ट में है, और ये कैथल के शासकों ने बनाई थी। उसका नाम शायद मुझे तो याद नहीं है, भाई को याद होगा, यही लाया मुझे घुमाने के लिए। नमस्कार भाई, कहाँ से भाई? कैथल से जी। तो इस बावड़ी के बारे में आप क्या जानते हो? बस यही कि ये बहुत ही पुराना स्थल है कैथल का, और घूमने फिरने के लिए मशहूर जगह है, यहाँ पर लोग आते हैं, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे पहले पानी हुआ करता था काफ़ी ऊंचाई तक, और लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए आते थे, और जो प्राचीन लोग थे वो यहाँ पर स्नान करते थे।
तो आप कहाँ से आए हो अभी? कैथल से, मैं कलायत से आया हूँ जी। कैथल में मैं स्टडी करता हूँ आईटीआई में। तो धन्यवाद भाई आपका। तो दोस्तों ये थी कैथल की जो भाई की बावली, उसका पूरा व्यू हमने आपको वीडियो में दिखा दिया है। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही, आगे और भी वीडियो हम ऐसे ही पुरानी पुरानी जगह के लेके आते रहेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तभी तक बने रहिए। मैं हूँ आपका अपना मजीद शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मजीद भारद्वाज।